झुंझुनू टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ये तस्वीर है झुंझुनू सूचना केंद्र में हुई उजियारा झुंझुनू कार्यशाला की। और ये हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। आप ऐसा एपिसोड आते हैं, आप प्लीज 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 करके ये अपना बोलेगा क्या होता है। ये हमेशा होता है। मैं ये जहां जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग राजकीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी पाठशाला में प्रवेश उत्सव को लेकर चर्चा की जानी थी। कार्यशाला का मकसद तो था कि सरकारी स्कूल में नामांकन कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन कार्यालय के दौरान बिसाऊ जटिया सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य कमलेश कुमार एवं डाइट की प्रिंसिपल के बीच बहस हो गई। प्रधानाचार्य कमलेश कुमार ने कहा कि पिछले 4 साल से पीरामल फाउंडेशन अभियान से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले 4 साल से आंकड़ों में ही काम हुआ है, जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। ये सवाल उन्होंने जिला कलेक्टर दिनेश यादव की मौजूदगी में रखे। फिर जैसे ही कार्यशाला से कलेक्टर गए तो डाइट प्रिंसिपल ने प्रधानाचार्य कमलेश से कहा कि उन्होंने कार्यशाला में ऐसे सवाल क्यों किए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तूतू मैं हो गई। फिर बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे हालातों में ये अभियान कितना सफल हो पाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर ने अभियान को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी। शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन की वृद्धि की दृष्टि से और साथ ही साथ जो अन्य कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उनको दूर करके और किस प्रकार से हम गुणात्मक रूप से और अनुरूप में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, इस दृष्टि से उजियारा झुंझुनू कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और उसी दृष्टि से आज सभी शाला शिक्षण शाला जो चाहिए और निश्चित रूप से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षकों हमारे प्रधानाचार्यों प्रिंसिपल्स ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स और सबकी सहायता से इस प्रकार का हम वातावरण डेवलप करें कि जिससे हम एक वास्तविक रूप में जो हमारा उजियारा झुंझुनू कर सकते हैं और कोई भी बच्चा शिक्षा से कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हमारी जो उजियारा झुंझुनू की मीटिंग आयोजित हुई थी बहुत शानदार, और कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रेरित किया। और जैसा कि हर 2-3 साल से चल रहा है पीरामल फाउंडेशन और महिला बाल विकास, इन दोनों का भी अच्छा सहयोग, जिले में ये कह रहे हैं कि नामांकन वृद्धि में पूरा सहयोग करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम इनको मोटिवेट करें। जैसे कि महिला बाल विकास ने कहा है कि भाई टॉपर्स को 21,000 रुपये या 10,000 रुपये जो रिजल्ट आएगा तो 20-30 बच्चों को या शायद 100 से ऊपर बच्चों को इनाम देंगे और जिला स्तर पर स्कूल्स को सम्मानित करेंगे। तो जो पीरामल फाउंडेशन है जो इसमें लगातार नामांकन अभियान में जुड़ा हुआ है, उनके अधिकारियों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो कोई एडवर्टाइजमेंट में या मोटिवेशन के लिए कोई पुरस्कार वगैरह में ऐसी कुछ घोषणा करें तो गार्जियंस को और स्टूडेंट्स को उसमें काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और हम लोगों के लिए संबल रहेगा। नहीं, अभी मीटिंग में जो गर्मा गर्म बहस हुई उसका क्या मुद्दा था? बहस हुई नहीं, बहस नहीं हुई। मेरा उनका ये कहने का मतलब था कि भाई आप कोई घोषणा करो, तो आग्रह था बहस।